वाले कल में जल समस्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार में तैनात था, और उसी दौरान मैंने निश्चय किया कि जल संरक्षण के प्रभावी आह्वान के लिए अगर एक बार फिर से एवरेस्ट चढ़ने का खतरा भी मोल लेना पड़े तो वह भी मंजूर है। हजारों साल पहले मानव सभ्यता मुख्यतः नदियों के किनारे ही पली बढ़ी। आज भी नदियां और नदियों के मुख्य स्रोत हिमालय के बिना हम भारत में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, विशेषकर गंगा नदी के बिना, जो 50 करोड़ भारतीयों को जल प्रदान करती है। गंगा जल साथ लेकर एवरेस्ट की चोटी चढ़कर लोगों से जल बचाओ की अपील करना अपने आप में एक अनूठा कदम है, जिसका सपना लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी, जिन्हें दफ्तर में बैठकर कलम चलाने की आदत है, हिमालय की तरफ चल पड़ते हैं। कई महीने जी तोड़ मेहनत कर, आराम की जिंदगी त्याग कर, परिवार और दोस्तों को अलविदा कहकर, साहस और आत्मबल के साथ बढ़े हैं उनके कदम स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत एवरेस्ट अभियान के रूप में। एक पुकार 125 करोड़ भारतवासियों को याद दिलाने के लिए कि जल की हर बूंद जिंदगी जैसी ही कीमती है, क्योंकि जल बिना हर वर्ष कई लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं, क्योंकि अगले ही वर्ष दिल्ली सहित 22 शहरों के चौखट पर भूजल समस्या दस्तक देने वाली है। अतः जल प्रदूषण और साफ जल का दुरुपयोग रोककर हम एक दूसरे को ही नहीं बल्कि अपने देश को बचा सकते हैं। So this is my third journey to Everest. First time I had climbed in 2013. Inspired by earthquake in Sikkim when some mountaineers were called for the rescue operation. Second time we had come in 2015 with the motto of Swachh Bharat Abhiyan, but we had to go back because of Nepal earthquake and avalanche at Nepal Everest base camp. This is third time I'm attempting Everest this year in 2019 with the motto of water crisis. ऐसा माना जाता है कि एवरेस्ट की देवी माता कोमोलुंगमा की इच्छा के बिना कोई भी चोटी तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए वहां लोग पहले माता कोमोलुंगमा की पूजा कर उनसे सफल एवं सुरक्षित चढ़ाई के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और उसके बाद ही चढ़ाई शुरू करते हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, जो कि उन ऊंचाइयों में अनंत काल जैसे प्रतीत होते हैं। परंतु जिस देश के प्रधानमंत्री ही अपने देश को स्वच्छ एवं गंदगी मुक्त बनाने और हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए पिछले कई सालों से दिन रात जुटे हैं, उस देश का नागरिक भला कुछ महीने एवरेस्ट पे तपस्या क्यों नहीं कर सकता। इसी से प्रेरित होकर इस अधिकारी ने स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत बनाने में अपना विशेष योगदान देने हेतु नदियां यानी जल के स्रोत हिमालय के सबसे ऊंचे स्थल एवरेस्ट से लोगों से अपील करने की ठान ली है।
परंतु धरती की तुलना में मात्र एक तिहाई ऑक्सीजन है। शून्य से नीचे 25 से लेकर 50 डिग्री तक की खून जमा देने वाली ठंड, सालों भर सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाएं, अंतहीन चढ़ाई और गर्त जैसी गहरी तीव्र ढलान वहां जीना दूभर कर देती है। कहते हैं इरादे नेक हों अगर तो मौत से भी नहीं लगता डर। एवरेस्ट की ऊंची और खतरनाक ढलानों पर पता चलता है कि हमारा शरीर कितना क्षणभंगुर है, और इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी प्रकृति के सामने हम कुछ भी नहीं। एवरेस्ट की इस कठिन चढ़ाई की तुलना में बहुत ही साधारण उपाय है जल संकट से निपटने के लिए। अगर 125 करोड़ भारतीय व्यक्तिगत स्तर पे पानी की बर्बादी रोक देते हैं तो जल संकट के एक महत्वपूर्ण भाग का समाधान हो जाएगा, और हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए कभी स्वच्छ पेयजल की कमी नहीं होगी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे गंगा जल अर्पण यह इंगित करता है कि जल संकट रोकने हेतु हम सभी को अपनी तरफ से विशेष प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जल के बिना जिंदगी ही संभव नहीं। आज मैं विश्व के सबसे ऊंचे स्थान माउंट एवरेस्ट पर, जो कि हिमालय का भी सबसे ऊंचा स्थान है, और हिमालय भारत के लिए जल का स्रोत है, नदियों का स्रोत है, अतः नदियों के स्रोत के पास आकर मैं भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि जल बचाओ, सेव वाटर, ताकि अगले जेनरेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। 1.25 बिलियन लोग अगर थोड़ा थोड़ा पानी सेव करे तो हमारे आने वाले संतान को पीने का पानी का दिक्कत नहीं होगा। अगर भारत के लोग थोड़ा थोड़ा पानी बचाएं और अगले संतान के लिए, अगले जनरेशन के लिए अगर पीने लायक पानी मिले तो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हो गया।